आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव, देश और दुनिया की खबर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। रामनवमी के पावन अवसर पर संस्कृति विभाग भोपाल द्वारा आयोजित प्रकटे पर्व कार्यक्रम बांधवगढ़ में संपन्न कराया गया, जिसमें सारेगामापा के उपविजेता मध्य प्रदेश की शांत शरद शर्मा ने भगवान श्री राम के भजनों की शानदार प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री सुश्री मीना सिंह ने किया। उमरिया जिले के बांधवगढ़ स्थित हाई स्कूल प्रांगण में आजादी का अमृत महोत्सव श्री रामनवमी की मधुर बेला व बाघों की धरती बांधवगढ़ पर प्राकट्य पर्व मनाया गया। कार्यक्रम को और शानदार बनाते हुए सारेगामापा के दूसरे विजेता शरद शर्मा ने राम भजन से समा बांध दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री मीना सिंह ने किया। पारकट्य पर्व में कलेक्टर सपरिवार शामिल हुए। मतलब समय देती हैं कि साहब के साथ या कार्यक्रम में जाना चाहिए। देखिए, ये इंटरेस्ट के ऊपर होता है, नहीं तो इंटरेस्ट अगर किसी का नहीं है तो नहीं होता है। जब हमारी कलेक्टर मैडम, कलेक्टर साहब की धर्म, थोड़ा सा और आप लोग जोर लगाइए। जय जय श्री राम। अभी भी कमी है, कितने आगाज अच्छा होता है तो अंजाम खुद ब खुद अच्छा होता है। तो हम लोग शुरुआत ऐसी करते हैं तो हमारा आज का दिन अलग ही होगा। थोड़ा और जोर से बोलिए, जय श्री राम। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीबीसी लाइव।